हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर के प्रथम नागरिक महापौर घनश्याम ओझा के वार्ड में इन दिनों भयंकर पेयजल किल्लत बनी हुई है। यहां पानी की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। इस पर सोमवार सुबह क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर खाली मटकियां फोड़ी। वार्ड नंबर 11 से महापौर घनश्याम ओझा पार्षद हैं। यहां चामुंडा कॉलोनी में पिछले लंबे समय से पेयजल किल्लत बनी हुई है। लोगों ने कई बार महापौर सहित जलदाय अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहां कई दिनों में पानी आता है, वह भी कम दबाव के साथ कुछ देर के लिए पानी आता है। ऐसे में यहां पानी का संकट हो गया है, उन्हें महंगे दामों पर टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। पानी की मांग को लेकर ये लोग सोमवार सड़क पर उतर आए। उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, साथ ही कुछ देर के लिए रास्ता भी रोका। इस दौरान उन्होंने सड़क पर खाली मटकियां भी फोड़ी। बाद में समझाइश पर वे लोग शांत हुए। महापौर साहब का वार्ड है, लेकिन पिछले 6 महीने से वार्ड नंबर 11 चाउंडा कॉलोनी गली नंबर 11 में पानी की समस्या है। यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग मोटर लगाते हैं, फिर भी पानी की नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने की वजह से जनता पूरी परेशान है, जनता में आक्रोश है। एन साहब, जे एन साहब सभी से बात की है, इन लोगों ने एक्शन साहब तक जाके आ गए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस पानी की समस्या का समाधान कराया जाए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।